हाल ही में आमिर खान कॉफी विद करण में पहुंचे थे। वहां जब करण ने पूछा कि क्या कभी उन्होंने किसी को रिलेशनशिप में धोखा दिया है या एक ही टाइम पर दो लोगों को डेट किया है, तो आमिर ने कहा हाँ। आमिर ने इस दौरान ये भी माना कि वो अपनी पत्नी से अक्सर झूठ बोलते हैं। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि किसे धोखा दिया था या किसके साथ टू टाइमिंग की थी। लेकिन कुछ सालों पहले एक विदेशी पत्रकार ने दावा किया था कि वो आमिर के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह चुकी हैं और उनके बच्चे की माँ भी बन चुकी हैं। कुछ साल पहले एक पॉपुलर एंटरटेनमेंट मैगजीन में खबर आई थी कि आमिर खान का कोई नाजायज बेटा भी है। दरअसल एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट ने आमिर खान को अपने बेटे का पिता बताया था। जेसिका हाइंस नाम की इस महिला ने दावा किया था कि 2003 में उन्हें जो बेटा हुआ था वो आमिर खान का है। महिला ने इस बेटे का नाम जान बताया था। आमिर और जेसिका की मुलाकात विक्रम भट्ट की फिल्म गुलाम की शूटिंग के दौरान हुई थी। जेसिका ने ये भी दावा किया था कि वो और आमिर लिव इन रिलेशनशिप में भी रह चुके हैं और उसी दौरान वो प्रेग्नेंट हो गई थी। तब आमिर ने उनसे बच्चा गिराने और रिश्ते के बारे में किसी को भी ना बताने की बात कही थी, लेकिन वो नहीं मानी। बाद में जेसिका लंदन चली गयी और वहाँ बेटे को जन्म दिया। लेकिन आमिर का कहना था कि उनका उस महिला से कोई अफेयर नहीं रहा है और ना ही वो बेटा उनका है। उस समय तो ये बात वहीं के वहीं दब गई थी, लेकिन सच्चाई क्या है ये कोई नहीं जानता। रिपोर्ट्स के मुताबिक आमिर का ये कथित बेटा अब 16 साल का हो चुका है और फिलहाल लंदन में मॉडलिंग करता है। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज़ देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।